गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान के बारे में। संविधान में हमने पढ़ा था सरकार के बारे में। सरकार कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पिछली बार हमने पढ़ा था सरकार कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहली होती है संघ सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार और तीसरी होती है जिला सरकार। इसे स्थानीय सरकार भी कहते हैं। यह हमने पिछली बार पढ़ा था। हमने पढ़ा था ये पूरे देश पे नियंत्रण करती है, ये अपने राज्य पे नियंत्रण करती है और ये नगरपालिका स्तर पर नियंत्रण करती है। डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं इनकी शक्तियों का बंटवारा, इन सरकारों की शक्तियों का बंटवारा। हमने चीज पढ़ी थी 1935 का अधिनियम, हमने पढ़ा था 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में तीन प्रकार की सूचियां बनाई गई, तीन प्रकार की बनाई गई सूचियां बनाई जिनसे इनकी शक्तियों का बंटवारा हुआ। पहली सूची थी संघ सूची, पहली सूची थी संघ सूची, पहली सूची कौन सी थी? संघ सूची। संघ सूची के अंदर 100 विषय रखे, कितने विषय रखे? 100। संघ सूची में कानून कौन बना सकता है? संघ सरकार बना सकता है। कितने विषयों का? 100 विषयों का। दूसरी सूची कौन सी थी? राज्य सूची। राज्य सूची में कितने विषय रखे गए थे? 61 विषय। कितने विषय रखे गए? 61 विषय। राज्य सरकार इनका कानून बना सकती है, वो भी राज्य सूची। तीसरा था, तीसरी सूची थी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसके अंदर 56 विषय रखे गए, इसके अंदर 56 विषय रखे गए। समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य दोनों सरकार अपने कानून बना सकती है, पर विवाद की स्थिति में अगर दोनों में टकराव होता है किसी कानून में तो केंद्र सरकार का कानून क्या होगा? मान्य होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, पिछली बार हमने सरकार के बारे में पढ़ा था। सरकार के तीन प्रकार, संघ सरकार, राज्य सरकार, जिला स्तर की सरकार, पंचायती राज अधिनियम। 1935 का अधिनियम में तीन सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय रखे गए, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में 61 विषय रखे गए जिसके ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची में 56 विषय रखे गए जिसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं, पर विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून क्या होंगे? मान्य होंगे। यहां तक हमने पढ़ लिया, आप इसे पढ़ लीजिए, मैं इसे इरेज करने वाला हूं। आज हम सरकार के दूसरे सबूत की बात करेंगे जो है न्यायपालिका। आज हम सरकार के दूसरे सबूत की बात करेंगे जो है न्यायपालिका। हम जानते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका। हम जानते हैं हमारे देश में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। दो प्रकार के न्यायालय हैं हमारे देश में। पहला है उच्चतम न्यायालय और दूसरा है उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं। ये दिल्ली में स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। इसमें क्या होता है? 30 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 30 न्यायाधीश होते हैं। इसके अंदर एक
मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 30 अन्य क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। इनको क्या है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है और किसी भी कोर्ट को नहीं है। मैं आप सबको रिपीट करता हूं, हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है जो क्या करती है? कानूनों की व्याख्या करती है। दो प्रकार के न्यायालय हैं, एक उच्चतम न्यायालय और दूसरा कौन सा है? उच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होता है, होती है संघीय होते हैं न्यायाधीश होते हैं। संविधान की जो व्याख्या है उसका अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। उच्च न्यायालय के अंदर 30 न्यायाधीश होते हैं और ये राज्यसभा में मामलों को क्या करते हैं? सुनते हैं। आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताऊंगा, आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी बात बताने वाली आज, वो क्या है? एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। उच्च न्यायालय से लेता है, परामर्श लेता है, किंतु इस परामर्श को वह मानने को बाध्य नहीं, मानने को बाध्य नहीं। अनुच्छेद से पढ़ से कहते हो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से लेता है, परामर्श ले सकता है किसी विषय पर, किंतु राष्ट्रपति उसको माने या ना माने उसके लिए उसको बाध्य नहीं है। एक बार मैं आपको शुरू से रिपीट करता हूं, उन्हें बड़ा सरकार, सरकार तीन प्रकार की होती है, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार यानी जिला सरकार। संघ सरकार पूरे देश में नियंत्रण करती है, राज्य सरकार अपने राज्यों में नियंत्रण करती है और स्थानीय स्तर नगर पालिका, जिला पंचायत, उपखंड स्तर पर नियंत्रण करती है। केंद्रों से विधान संशोधन हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सूचियां बनाई गई 1935 के अधिनियम में। पहली सूची संघ सूची, इसमें 100 विषय रखे गए, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिसके अंदर 61 विषय रखे गए, उसके ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तीसरी सूची थी समवर्ती सूची, उसमें 56 विषय रखे गए, समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु विवाद होने पर, डिस्प्यूट होने पर केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य होगा। फिर हमने आज पढ़ा न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय पर। अनुच्छेद 143 मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से ले सकता है, उच्चतम न्यायालय से ले, उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, परामर्श ले सकता है, किंतु माने या ना माने वो राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय में क्या होता है? 30 न्यायाधीश होते हैं, राज्य के कानूनों की व्याख्या कर सकते हैं और राज्य संबंधी मामले क्या करते हैं? सुनते हैं। आज के लिए